अपनी लाइफ में कोई कितना भी बड़ा हो जाए पर कोई इतना भी बूढ़ा नहीं होता है कि वो अपनी लाइफ के एडवेंचर को ना जी पाए, और यही मैसेज हमें ये मूवी देती है। आज मैं बात कर रहा हूँ इस एनिमेटेड मूवी के बारे में जिसका नाम है अप। यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये अब तक की सबसे बेस्ट एनिमेटेड मूवीज में मानी जाती है, एंड मानी क्या जाती है वो एक्चुअली है भी। ये स्टोरी है एक बूढ़े आदमी के बारे में जिसका नाम रहता है कार्ल फ्रेडरिकसन। वो अकेले रहता है क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है जिसका नाम रहता है एली, बट स्टिल वो उसको बहुत ज्यादा अभी भी मेमोरीज में चेरिश करता है। कार्ल जो है उसको रियल एस्टेट वाले बहुत ज्यादा थ्रेटन करते हैं एंड वो उसको घर से बाहर भी निकालना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि वो जाके नर्सिंग होम में रहे, बट वो ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए वो एक ट्रिप प्लान करता है, एक एडवेंचर ट्रिप जहाँ पे वो अपनी वाइफ का सपना भी पूरा कर पाए। उसकी वाइफ को एक जगह जाना होता है बट उसकी डेथ होने के कारण वो जा नहीं पाती है, तो वो उसका हस्बैंड उसकी ट्रिप पूरी करता है। बट नॉर्मली जब भी हम जाते हैं तो हम ट्रेन से या बस से या फिर अपनी गाड़ी से जाते हैं, बट ये आदमी अपना पूरा घर उठा के पूरा का पूरा घर उठा के लेके जाता है। इस एडवेंचर का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब कार्ल के साथ एक छोटा बच्चा भी एड ऑन हो जाता है जिसका नाम रहता है रसल। वो एक 8 साल का बच्चा रहता है जो कि स्काउट ट्रेनिंग कर रहा होता है, एंड वो गलती से कार्ल के साथ उस घर में फंस जाता है एंड वो वहां से निकल जाते हैं दोनों साथ में। अब इन दो कैरेक्टर्स के साथ ना तुम्हें बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो कार्ल फ्रेडरिकसन का कैरेक्टर है वो एक बहुत ही ज्यादा शाय सा रहता है और बहुत टिमिड सा रहता है, और वो प्लेन से पैराडाइज फॉल्स जाने के ड्रीम को भी मना कर देता है, और वो बाद में फिर अपने पूरे घर को उठा के वहां पे जाता है। तो तुम्हें ये चीजें देखने में उस कैरेक्टर के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन मिलेगा। फिर बात आती है रसल की। रसल एक छोटा सा बच्चा है जो कि सिर्फ 8 साल का है, और वो स्काउट ट्रेनिंग कर रहा होता है, और उसका पूरा मोटिव ये रहता है कि उसको एक बैज मिल जाए। सो पूरी मूवी में रसल की एक बहुत अच्छी जर्नी दिखाई गई है, एंड वो मिस्टर फ्रेडरिकसन को असिस्ट करने के बजाय उनका एक बहुत अच्छा दोस्त भी बनता है। इस मूवी के डायरेक्टर्स का नाम है पीट डॉक्टर एंड बॉब पीटरसन। इन्होंने पिक्सर के लिए और भी पहले बहुत अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवीज बनाई है जैसे कि फाइंडिंग नीमो, इनक्रेडिबल्स, वॉली, और ये मूवी भी एक बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है। इसमें तुम्हें एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है। इस मूवी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों ने काम किया है, और इस मूवी को एकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए। ऑल्सो जिन ने मूवी देखी है उनके लिए एक बहुत क्यूरियस सा फैक्ट बताता हूँ। ये जो मूवी में पैराडाइज फॉल्स की बात की गई है वो एक्चुअली रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। ये फॉल ब्राजील और वेनेजुएला के बीच में कहीं पे पड़ता है। मूवी की सबसे ज्यादा टचिंग चीज वो है कि जो कार्ल है उसके दिल में आज भी एली के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट एंड लव रहता है। मतलब एली मर चुकी है फिर भी उसके लिए एक बहुत अच्छा कंपैशनेट लव रहता है। ऑल्सो जो रसल का कैरेक्टर है वो भी एक बहुत ही ज्यादा काम एंड कंपैशनेट कैरेक्टर है। उसके अंदर एक बहुत ज्यादा गुडनेस है। वो एक्चुअली कार्ल से बहुत ज्यादा डांट भी खाता है बट स्टिल वो उसमें मायूस नहीं होता है एंड वो अपनी गलतियों को सीख के आगे बढ़ता है। एक और डीप और क्यूट सा मोटिवेशनल कैरेक्टर है इस मूवी में जो कि एक डॉग रहता है जिसका नाम रहता है डग। वो एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली कैरेक्टर रहता है मूवी में, और वो एक्चुअली हीरो के साइड ही रहता है। इस मूवी ने कंप्लीटली बैलेंस किया अपने आप को। इसमें उन्होंने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, स्टोरी, विलन्स और कॉमेडी टाइमिंग्स बहुत ज्यादा ही बैलेंस वे में बनाई है। मूवी क्रिएटर्स ने बहुत ही ज्यादा स्पेक्टेकुलर सा काम किया कार्ल के कैरेक्टर के लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर जो है वो ऑडियंस को ऐसा फील करवा देता है। पहले तो हम उसके बचपन के लिए बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये कैरेक्टर आगे जाके और ज्यादा खुश हो जाएगा, बट वो एंड में एक ओल्ड सा ग्रंपी मैन बन जाता है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। फिर इसकी बैक स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत फनी भी है, बट बहुत टाइम्स में बहुत ज्यादा इमोशनल भी है, जिसको देख के मुझे थोड़ा सा कभी कभी रोना भी आ जाता है। यूजुअली मूवीज में हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, और इसमें से एक लेसन ये भी होता है कि हमें दूसरों को उनके लुक्स के थ्रू जज नहीं करना चाहिए, बट इस मूवी में मुझे एक से ज्यादा लेसन्स मिले हैं। पहले तो डोंट गिव अप, अपने ड्रीम्स पे कभी भी गिव अप मत करो। सेकंड इज फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के लिए पागल हो जाओ, लेजिट पागल हो जाओ चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। एंड थर्ड इज डोंट हर्ट एनिमल्स। यार एनिमल्स को ना लाइफ में कभी भी हर्ट मत करना, वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। फन फैक्ट, वो इंसानों से भी ज्यादा अच्छे होते हैं, हम तो बहुत कमीन है। इस मूवी को इतना प्यार से बिल्ड किया गया है कि मतलब इसमें तुम्हें इमोशनैलिटी, क्रिएटिविटी, यूनिकनेस सब मिलती है। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा आदमी दोनों अगर इस मूवी को देखते हैं तो दोनों के अंदर एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा हो जाएगी। इस मूवी को शायद अभी 12 या 13 साल हो चुके हैं बट स्टिल ये आज भी इतनी अच्छी मूवी और इतने अच्छे एनिमेशन के साथ बनाई गई है कि आज की बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज इस मूवी को कम्पीट नहीं कर पाएंगी। ऑल्सो इस मूवी का जो एनिमेशन स्टाइल है वो बाकी जो पिक्सर एनिमेटेड मूवीज होती है उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें तुम्हें कैरेक्टर्स के शेप्स भी बहुत अलग मिलेंगे, एज वेल एज उनकी जो कलर ग्रेडिंग की गई है, एज वेल एज उनका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ज्यादा
ज्यादा अलग मिलेगा। हर कैरेक्टर की ना पर्सनैलिटी और लॉयल्टी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बट स्टिल तुम्हें हर कैरेक्टर लाइकेबल मिलेगा। मतलब ये नहीं कि वो अगर विलन है तो वो बुरा ही होगा, लाइक उसके पीछे का भी पास्ट बहुत अलग हो सकता है, तो तुम्हें हर चीज में एक पॉजिटिविटी मिलेगी। इवन जब काल का कैरेक्टर स्टार्टिंग में बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलता है तो भी मैं उस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाता हूँ, इतना ज्यादा अच्छे से इमोशंस को दिखाया गया इस मूवी में। बेसिकली एक प्रॉपर वे में लेकर चलूं तो अपनी लाइफ को जीने के लिए तुम कभी भी लेट नहीं होते हो, चाहे कितना भी टाइम हो जाए ये मत समझो कि यार अब बहुत लेट हो चुका है, अपनी लाइफ को तुम हमेशा एंजॉय करो। ये मूवी बहुत अच्छे से मैसेज देती है। इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर काल का है उसको हम बहुत ज्यादा कंडीशंस में देखते हैं, जैसे कि स्ट्रगलिंग, लॉस और प्रिजर्वेरेंस, फिर भी ये कैरेक्टर अपना बेस्ट देता है एंड एक बहुत ज्यादा स्वीट कैरेक्टर रहता है। एक और अच्छा कंसेप्ट था मूवी का कि वो बलून से बांध के घर को उड़ा के लेके जाते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा यूनिक है एंड नॉर्मली हमें कोई भी एनिमेटेड मूवीज में देखने को नहीं मिलता है। मुझे तो बहुत पसंद आया एंड मैं मूवी से बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हो चुका हूँ। ये अब तक की मेरी फेवरेट मूवीज में से एक मूवी है और इस मूवी को मैं नो डाउट 8.7 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 10। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो फटाफट इस वीडियो को तुम लाइक कर दो और इस चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से जल्दी कर दो, वो लाल बटन दिख रहा है ना उसको फटाफट दबा दो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।